अभी भी आप लोगों ने किताब का मेंशन किया, मैं तब से बारहवीं की तक इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, बहुत बड़े प्रिंटर है, गीता प्रेस गोरखपुर, उसमें मुझे लगता है कि जो अनपढ़ समाज का हाल है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली हुई थी, वो तो उन्हें देखते ही नहीं थे, ना मंदिर में जाते थे ना पूजा पाठ। बहुत अच्छी बात, मैंने पहले भी कहा था कि जो अनपढ़ है जिसको जानकारी नहीं, वो बाबा साहब को नहीं पहचान पाए, अच्छी बात है, मानने के लिए पढ़े लिखे थे। आज पढ़े लिखे लोग उन पुस्तकों को ज्यादा पढ़ रहे हैं जो हमें अंधकार की तरफ ले जाए, जो हमारे समाज के लीडर है, राइटर है, वो अगर बाबा साहब की बात करते हैं तो तुरंत उसका जो रेट वो छपाना होता है, उसका रेट दुगना तीगना हो जाता है। जैसे 10 पैसे में राम ले लो, 10 पैसे में राम ले लो, कभी सुना है गाना? एक गाना था 10 पैसे में राम ले लो, 10 पैसे में लक्ष्मण ले लो, 10 पैसे में सीता, उसको अगर 10 पैसे बड़े अहमियत होंगे। मैंने भी बड़ी दो मूर्तियां बेची है दिवाली के आसपास, देता हूँ मैं लक्ष्मी गणेश को, देखो मैं बेचता हूँ उनसे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा घर में धंधा दौलत की शिक्षा की संपन्नता की वैभव का वो वास करके जिन्हें मैं बेचता हूँ। अब मूर्ति लेने चले जाइए इधर ही पहाड़ में, सारी मूर्तियां बड़ी सस्ती मिली, 5,000, 6,000, 1,000 में भी मूर्ति मिल जाएगी। संगमरमर वाली जी का नाम लेके देखिए, बाबा साहब की बात कीजिए जरा, बाबा साहब की छोटी सी स्टैचू लगा दीजिए, कितनी की, ताकि ये लोग उनके तरफ जाए ना। हमारे इस किताब को या डॉक्टर भगवान दास जी ने इतनी मेहनत की, किताबें लिखी लोगों को, उस जमाने में 50 रुपए की होती थी, मैं बंदियों को, मैंने सबसे पहले बॉम्बे से आकर विरोध किया कि डॉक्टर साहब मेरा सामान 50 रुपए खर्च करने लगी, किताब कैसे खरीदेगा, कैसे पढ़ेगा। तब उन्होंने वो चीज रखी सामने की, मैं क्या करूँ, प्रिंटर ही, हमको तो पेपर बड़ा महंगा मिलता है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाले बड़ा महंगा लगाते हैं हमारे वाले, और आप लोग तुरंत रामायण की बुक करवा लीजिए, वो तुलसीदास जी की फटाफट आपको सस्ते में मिल जाएगी। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, अभी शिक्षित में बहुत कुछ गड़बड़ है, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, बाबा साहब भी बोल रहे थे, लेकिन शिक्षित हो कहां पर, संगठित हो कैसे और संघर्ष कैसे करेंगे। दो लीडर यहां पर बैठे, जलकोट वाले भी बैठे और बलूम चंदी सिटी वाले और भी सारे लोग बैठे, इनका नाम है साथियों, हाथ जोड़ो, संगठन की बात नहीं गई, संगठित बनो, शब्दों को पहचानिए। अब लुल्लू राव का अगर संगठन बनाएंगे तो चलेगा क्या, पहले आप अपने अंदर तो मजबूत होइए, संगठित होइए। हमारे तो महाराष्ट्र में सभी सोशलिस्ट की असफलता हुआ करती थी, आजकल मिस्टर इंडिया मिस्टर दिल्ली की भी देखते हो आप लोग, करते ना वो लोग, मजबूत तो बनो, पहले आप मजबूत कर बनो, तब संघर्ष करो। संगठन का नाम आते ही अध्यक्ष जी के लिए लफड़ा चालू हो जाता है, इसमें बनूंगा, अच्छा तुम बन जाओ आमंत्रित।